Deixou o cabo com gosto de quero mais. Ai, bola pai, minha vai. Good morning, दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग की फिर से शुरुआत करते हैं और अभी टाइम हो रहा है पाँच बज चुके हैं और निकल चुके हैं हम नई दिल्ली से लुधियाना की तरफ, जो कि हम अपने बचपन की यादों को थोड़ा फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं। रिकैप, लाइफ में थोड़ा बोर हो चुका है, लाइफ में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो पुराने यादों को थोड़ा देखने जा रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है वहाँ पे। इस ब्लॉग में जो बेसिकली आपको मैं किस स्कूल में था वो दिख जाएगा, किस प्लेग्राउंड में हम खेले कूदे बड़े हुए वो सब चीज़ें दिख जाएगा, तो यही सब है। आप बाकी भाई सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कॉल आ रहा है दोस्त का। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको अभी अंदर छोटे से ब्रेक के बाद। भाई ये अम्बाला है रेलवे स्टेशन, अम्बाला कैंट। टीटी पकड़ा, टीटी कौन खड़ा है बता दे भाई। टीके बोल अम्बाला में डरते ही डरते हैं। ये आ गया भाई अम्बाला कैंट अपना, किधर गया? तो भाई अम्बाला जा चुका है, टाइम हो रहा है 6:55 शाम के। तो देखे भाई लोग मिलते हैं लुधियाना में। लेट्स स्टॉप इट्स लुधियाना। आज 18 दो मिनट बचे हैं ना बस, 8:15 पे था ना इसका टाइमिंग। ऑन टाइम है, ऑन टाइम है ना। तो भाई पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे लुधियाना रेलवे स्टेशन। तो वेलकम दोस्तों, और आज कल रात को यार मैं सो गया था काफ़ी, तो अभी उठाऊँ। सुबह हो गए हैं 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा होगा, तो यही हिसाब किताब है। फ्रेश व्रेश अभी होंगे, फ्रेश होने के बाद बताते हैं भाई आज का क्या प्लान है। आज का बेसिकली कोई ख़ास प्लान तो है नहीं वैसे। हाँ तो अपडेट के लिए मैं बता दूं कि रात को हम 8 बजे के आसपास ट्रेन से उतर चुके थे 8:30 बजे के आसपास, आपको पता चल ही गया होगा। और फिर उतरने के बाद हमने बस पकड़ी, वहाँ से ऑटो पकड़ के भरतनगर चौक आए, जो कि BSNL का सामने ऑफिस भी है वहाँ पे, वहाँ तक आए। फिर वहाँ तक आने के बाद फिर हमें बस मिली, बस में बैठे, 35 रुपये लगे मात्र, और फिर हम सीधा यहाँ पे हलवारा गार्ड रूम आ गए, जो कि ये एयरफोर्स स्टेशन हलवारा पड़ता है। हलवारा गार्ड रूम, गार्ड रूम कहते हैं वैसे इसको बाहर के लिए, बट जो लोग डिफेंस से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा एयरफोर्स स्टेशन हलवारा यहाँ पर है, जो कि लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। तो पापा यहीं पे पोस्टिंग थी पहले, तो यहीं पे हम पले बड़े हैं। तो आज ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि भाई कहाँ हमारा ग्राउंड था, हमारा स्कूल कौन सा था, मैं किस स्कूल से 12th पास आउट हूँ, लाइक 10th 12th मैंने किस स्कूल से करी है वो आपको दिखाऊँगा। मैं किस कैंपस में रहता था अंदर, मेरे को पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, बट ठीक है मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, गेट दिखा दूँगा, एटलीस्ट गेट तो दिखा सकते हैं। और बाकी आपको मार्केट दिखाऊंगा, कहाँ घूमा करते थे स्कूलों में हम। एक बाइक हुआ करती थी हमारे पास TVS, जिसमें हम 5 लोग बैठते थे। सेम चीज़ आज फिर होने वाली है काफ़ी सालों बाद, तो
देखो और एंजॉय करो ब्लॉग को। तो भाई लोग निकल गए हैं भाई, हम अभी दिखाएंगे कि भाई हम कहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे स्कूल के लिए, स्कूल टाइम के लिए काम प्रैक्टिस करा करते थे। पीछे दो बंदे आ रहे हैं अपने, ये है भाई अपने पंजाब के राइडर, और ये सीन है भाई अपना ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है भाई, ये हिसाब किताब है यहाँ का। किसका मैच चल रहा है? ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, हॉकी मैच चल रहा है, स्मॉल हॉकी मैच चल रहा है, लेकिन चल लीग का रहा है। सेवन साइड चल रहा है, सेवन साइड स्मॉल ग्राउंड में। अरे ये हमारा ग्राउंड है, बचपन से हम जा खेलते थे। तो भाई इसी ग्राउंड में हम खेला करते होते थे, यही हमारा है बचपन का। फुटबॉल फुटबॉल का नहीं हो रहा क्या अभी मैच? नहीं, फुटबॉल का बाद में बनाएंगे। पहलियाँ खेल पंजाबी जी भी कह दो करी, पहलियाँ जिते होंगे से असी। अजकल तो पता नहीं कितने कितने, कोई दिल्ली में है, कोई बैंगलोर में, अभी एक दुबई में, मैं ही दुबई में हूँ ऐसे। तो भाई ये सारे हॉकी के सारे प्लेयर्स हैं। ये कौन कौन से गांव का मैच? ये अपने ही गांव के अभी है? नहीं नहीं, ये आसपास के गांव है, जैसे हो गया ओके हो गया, ऐसे ऐसे हर गांव से आते हैं। अकालगढ़, ये अकालगढ़ है, यहाँ पर ज़्यादातर मैचेज होते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर हॉकी को ज़्यादा दिया जाता है, और हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी बहुत चलती है इधर। ये दो चीज़ें ज़्यादा चलती है, हॉकी और फुटबॉल। अपने गांव की टीम वहाँ खड़ी है वाइट वाली। ये हमारा वैसे देखा जाए तो हेल्दी, पूरा हेल्दी फिट इंडिया टाइप, फिट इंडिया मूवमेंट टाइप का है, चलता रहता है यहाँ, इधर चलता रहता है। ये पहले से ज़्यादा दिया जाता है हमारे यहाँ, पहले से स्पोर्ट्स चलता है ज़्यादा भाई। पूरे गांव में एक यही एक ऐसा ग्राउंड है जिसके मेंटेन करा जाता है, जो इसके घास है ना, प्रॉपर पानी दिया जाता है इसमें, यही हिसाब किताब है। और डेली पानी जाता है, सुबह शाम पानी जाता होता है इसमें, रात को मतलब, ये हिसाब है। और ट्रॉफी देख लो भाई, ट्रॉफी है यहाँ पे, प्राइज दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे हॉकी में पूरे पंजाबी होते हैं, देखो सारे सरदार बैठे इधर भी है। अरे भाई तो वो लास्ट में पूरी वाइट बैठी है टीम, हमारे 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 गांव के और सारे हमारे गांव के, अकालगढ़ गांव के सारे, अकालगढ़ गांव के हैं ऑलमोस्ट हमारे इधर सरदार। सरदार लोग जितने भी सरदार है ज़्यादा हॉकी को प्रेफर करते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस, अगर आपको नहीं पता हो ये भाई मेरे बचपन का दोस्त है, यादी टर्बो, बहुत सारे मिस्टर सी स्पेशल, जो यूनिक हमने नाम दिया हुआ था टर्बो, मिस्टर सी सनी, ऑफिशियल नेम यादविंदर सिंह, और हिज आकाश चंद, ये भी सेम एक ही स्कूल के हैं भाई, एक ही बचपन चड्डी बड्डी वाले यार दोस्त हैं, एक ही चड्डी में बड़े हुए हैं भाई सब, यही हिसाब है। यहाँ पे तालाब था पहले, बट मतलब गड्ढा था, बट अब तालाब बन चुका है ये। और ये गुरुद्वारा है, कौन सा गुरुद्वारा है, ये नाम क्या है? ये है कलगीधर गुरुद्वारा। अच्छा, थोड़ा ओखा सा नाम है बट कोई नहीं, पंजाबी नाम है ना। क्या नाम है एक बार रिपीट करना? कलगीधर गुरुद्वारा। अभी भी यहाँ पे वैसे भी कोई अगर आप लोग कुछ मांगते हो अपने मन से, सच्चे मन से, कि हाँ वो ऐसे ही नहीं कि तुम मांग लो कि हमें सोना चांदी दे दो तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पीछे बंदा अपना तेरा अपना छोटा भाई है ये, ठीक है। तो अभी फिर यहाँ से, अरे भाई ये भी है, तो यहाँ से चलते हैं भाई अपना को नहर में, नहीं यहाँ से स्कूल जाना है पहले ना, यहाँ से जाते हुए स्कूल दिखाते हैं अभी कि यहाँ से नियरेस्ट स्कूल कौन सा था अपना, हमारा स्कूल सॉरी, हाँ यहाँ से नियरेस्ट भी है और हमारा भी स्कूल है, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने आज तक बदमाशी की है वो सारा एरिया दिखाएंगे, कहाँ कहाँ हमारी लड़ाई हुई है, कहाँ कहाँ से हम कूदे हैं, ये सब दिखाएंगे आपको। स्कूल की यार तो पता ही है आप लोगों को कि बहुत सारे यादें होती हैं, आप लोगों की भी बहुत सारे यादें होंगी स्कूल की। स्कूल में तो लोग यार जनता क्या ही करते थे, हम भी उसी चीज़ से गुजरे हैं भाई, जो तुमने करे हैं वो हमने भी करे हैं। स्कूल आ गया हमारा स्कूल, ये
हमारे स्कूल की दीवार है जिसको हम हमेशा कूद कर इधर आ जाते थे वापस बंक मार के। तो ये है भाई अपना स्कूल, ये एयरफोर्स है, देख रहे हो भाई एयरफोर्स स्टेशन दोबारा। यहाँ से हम अंदर स्कूल से आते होते थे और यहाँ से आते ही बस ये एक ये सिंपल सा रूट क्रॉस करना था और हम यहाँ पे स्कूल में घुस जाते होते थे। और बाकी एक पेड़ लगाने के बाद हम दंगे करके सीधा अंदर घुस जाते थे एयरपोर्ट। ये जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, ये ऑटो फोकस पकड़ रहा है। यहाँ से जो आप देख रहे होंगे ये इतनी सी जो फेंसिंग बनी हुई है एक्स्ट्रा बनी हुई है, पहले ये लेवल जो था इसका यहाँ तक ये लेवल था और उसके ऊपर जो कांचे लगे हुए वो भी नहीं लगी थी। अब देख लो मैं अपना हाथ हटा दे रहा हूँ, तो ये हिसाब है। तो यहीं से हम कूद के यहाँ पे इस साइड को आते थे, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी होती थी और यहाँ से हम चले जाते होते थे। बाकी देखते हैं अगर अंदर से कुछ एंट्री मिल जाती है तो ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती थी ना, यहाँ पे ये जो इतना सा एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे एक बार लड़ाई हुई थी मेरी स्कूल में जब स्कूल में था यार। और ये एरिया तो पता ही है स्कूल का, इधर तो सबसे ज़्यादा बार लड़ाई हुई हमारी इस एरिया में। यहाँ से लेके वो जो ईंटें रखी हुई मतलब वो बोर्ड जो साइन बोर्ड दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये जो एरिया इस एरिया में इतने लड़के खड़े होते थे और इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं इतनी बार, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये है भाई स्कूल हमारा, इसी सरकारी स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में भाई थी। सेंट्रल स्कूल सरकारी नहीं, हाँ भाई गवर्नमेंट, हाँ ठीक है सेंट्रल सीबीएसई का था। यहाँ से इस आंटी के पास हम समोसा खाया करते होते थे, ये हिसाब है। तो भाई ये अपना बस स्टैंड था, जाके थोड़े ये बन चुका है बट ये पहले वैसा कुछ हिसाब किताब नहीं था। यहाँ पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है ये हिसाब है। बाकी ये जब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी इस वाले अंकल से मैं साइकिल ठीक कराया करता होता था। काफ़ी यादें हैं भाई। एक और गुरुद्वारा, और ये एक और गुरुद्वारा है जो कि एयरफोर्स वालों के लिए सबसे नियरेस्ट है। एयरफोर्स गुरुद्वारा, ये एयरफोर्स के फंड से है, ये फंडेड बाई एयरफोर्स है, एयरफोर्स के फंड से है ये गुरुद्वारा। आरती स्टोर, और ये कौन सा गोल्डन स्टोर कहाँ क्या भाई, यही है ना सर, हाँ गोल्डन स्टोर, दोनों साथ में एयरफोर्स लिया करते होते थे। और ये भाई खिंड आ गया, यहाँ पे कई बार छापा पड़ा है बट फिर भी बहुत फेमस है यहाँ का। गोलगप्पे खाने आया करते थे हम यहाँ पे स्पेशली। और इसके पीछे विशाल मट्टू भाई, तेरे को ये वीडियो शेयर कर दूँगा, वो वहाँ गले रहता है गली में। काठमांडू जिसके पास हम हमेशा चिकन के साथ हमारा सिस्टम चलता था भाई, लोग समझ जाओ। और एक गली दिखाता हूँ भाई, जिसने ये जो बंदा आ रहा ना इसने बुढ़िया ठोकी थी, इस गली में ठोकी थी बुढ़िया तुमने, इस गली में भाई टीवीएस बाइक के साथ हमने आंटी ठोक दी थी, आंटी ठोक दी थी बेचारी की टांग टूट गई थी, और आंटी मुझे बोली थी मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। कोई नहीं, हमने कंसेशन दे दिया था, जितना गलती थी हमारी गलती भी थी और हमने थोड़ा सपोर्ट भी किया था। और ये स्टिल मोना कलेक्शन यहीं पे है, और ये एक आगे जाके एक हॉस्पिटल आएगा, काफ़ी फेमस और अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ से आंटी का एक्सीडेंट होने के बाद हम ये चोपड़ा नर्सिंग होम में लेके आए थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत जितना मैक्सिमम ट्रीटमेंट हो पाया यहीं से ट्रीटमेंट कराया हमने, यही साहब है। और भाई ये जो कैंपस है, ये एरिया जो है ये एयरफोर्स इनक्लेव है, ऑफिसर्स इनक्लेव कहते होते थे इसको, यहाँ पे सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहते होते हैं। जो हमारे पास एक चट्टी होती है वो यहाँ पे लगा के दी हुई है, स्कूल से बंक मार के। अभी ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा ना, इस ब्रिज में भाई हम नहाया करते थे, स्कूल से बंक मार के आते थे कभी कभी। बंक मार के मतलब अगर ठीक है, हाँ स्कूल में नहीं हो रहा कुछ तो निकल जाते थे, और फिर या कभी कभी स्कूल के बाद भी 2 बजे के बाद भी हम आ जाते थे। और ये नहर है, तो यहाँ से हम जाते होते थे पीछे को आराम से ऐश करने, मजे मस्ती करने। और जो यहाँ से पुल के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है, इस एरिया का नाम सुधार है,
क्योंकि सुधार अगर मैं पिछले 8 सालों में कंपेयर करूँ तो कुछ हुआ नहीं है, बट ठीक है। हाँ, बट ये जितने भी शॉप हैं इनके जो बोर्ड्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं, बस मॉडर्न हो चुके हैं। कुछ कुछ शॉप है जो मॉडर्न हो गई है। बस स्टैंड आ गया, बस स्टैंड ये है ना, सुधार का बस स्टैंड है भाई ये, देख लो, जो कि पता ही नहीं लगेगा बस स्टैंड है बट है। खालसा कॉलेज है, इसको सुधार कॉलेज कह लो या खालसा कॉलेज कह लो, जो भी है। ये देखो, GHG खालसा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सारे इसमें हैं।